मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रगति की हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है, और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आँच आए, नैसी मेरी भाषा होगी, नैसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सबने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा, हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा।